पीएम केजरीवाल की रिहाई को लेकर क्या है? लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब डर जाएगी। नहीं नहीं, क्या डरेगी, क्यों डरेगी, वाय वो डर चुकी है, डर क्या जाएगी, वो डर चुकी है, वो डर गई है, तभी तो उन्होंने सीएम साहब को अंदर किया है। बाकी तो कुछ भी कर, मुझे समझ नहीं आता जिन्होंने नारी सम्मान को नहीं किया। जो इंसान पीएम बन गया, अपना घर ना संभाल सका, अपनी बीवी को ना संभाल सका, प्रधानमंत्री बन करके वो कहता है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी नहीं है, वो क्या देश संभालेगा? जो अपने घर को ना चला सके वो देश चलाएगा? चला तो रहे, 10 सालों से देश चला रहे, वो नहीं चलाया, उसने सबको पागल बनाया, उसने अंबानी अडानी इनको बनाया है। और जिस दिन इनकी सरकार जाएगी सबसे पहले ये भागेंगे, सबसे पहले भागेंगे ये मोदी। और देखना जो आज ये अंधभक्त जो बोल रहे हैं ना, तब इनसे पूछेंगे हम कि कहाँ है वो मोदी के भक्त, क्या बोल रहे हैं। मैं एक जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना मुझे आरक्षण की आवश्यकता ना कुछ है। ये लोग रोजगार का कहते हैं मुद्दा, हमारी सोच ये है, हमने एक एजुकेशन प्राप्त कर ली, हमने आप मानो एक बीए ग्रेजुएट हो गया, हम ये सोचेंगे ये काम छोटा है। काम छोटा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी है। अगर हमको मेहनत करनी है तो हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम एक काम कर सकते हैं, कोई बेरोजगार है नहीं। मुद्दा हम बना, जब नौकरियों का सवाल आता है तो क्या जाता है कि योग्यता की कमी है, इसीलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा। और भाजपा विकसित भारत को एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो विकसित भारत मिलेगा बदले में। ये भारतीय जनता पार्टी जुमले तो बहुत दिखा देती है, लेकिन बाद में जब हमारे जो माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब इस बात को ये कह देते हैं कि पकौड़े बेचना भी एक व्यापार है, पकौड़े बेचना एक हिस्सा है, कुछ मायने में देखा जाए तो चलो ठीक है, व्यापार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये बहुत अच्छी की मानता है। पर जो ये इंसान एक MBA करके और बहुत ऊँची पढ़ाई जो कर लेता है, अच्छा पैसा लगाकर, अपने गरीब माँ बाप का पैसा लगाकर, जब उसे पता लगता है कि मेरे लिए कोई नौकरी स्टेट में कोई है ही नहीं और मुझे पकोड़े बेचने पड़ते हैं, तो आप भी खुद समझदार हो, कहीं ना कहीं तो उसके मन को, उसके स्वाभिमान को ठेस तो पहुंचती है ना। तो काम कोई छोटा बड़ा, मोची का भी काम कर सकता है, व्यापार व्यापार है, काम काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान को ठेस इसलिए पहुँचती है कि मैंने इसलिए अपने माँ बाप का जो पैसा था, खून पसीने की कमाई थी, वो मैंने लगाई है कि ये सरकार मुझे एक नौकरी भी नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं पकोड़े बेच के भी वो अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन उसके स्वाभिमान को। बीजेपी लक्ष्य तो लेकर चल रही है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत देखिए, कहने में और करने में हमारे सारे भाई यहाँ हैं, सनातन धर्म के कुछ, बीजेपी के कुछ, हमारे सारे भाई हैं, इस बात को सारे ही अग्री करेंगे, कहनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है, आप भी जानती है। क्या बीजेपी कह कुछ रही है, कर कुछ रही है? नहीं, ये हम लोग अपनी बातों में नहीं, अगर बीजेपी बहुत अच्छी है हम गलत नहीं कह रहे, ये कैथनी और करनी में लाए ना इस बात। चले मैं आज चर्चा सीएम केजरीवाल की रिहाई पर भी करते हैं, लेकिन इससे पहले जवाब सर, करनी कथनी में फर्क है, पिछले 10 साल के जो वादे रहे कितने पूरे हो पाए? काफी पूरे हुए मैम, क्या नहीं हुए, थोड़ा सा गिनवा दीजिएगा दर्शकों। आप रोड की व्यवस्था देखो, पाँच, एक सेकेंड मैम, चैलेंज कर रहे हैं क्या? 5 बड़ी योजनाएं या बड़े काम? आज आप कहीं भी चले जाओ, रोड की व्यवस्था देखो, पहले हम गड्ढों में चलते थे, हर जगह पहुंचने के लिए एक नंबर की रोड की व्यवस्था हो चुकी है। नितिन गडकरी जी ने एक नंबर का काम किया है, ठीक है जी, और धीरे धीरे कोई भी चीज़ एकदम नहीं हो जाती ठीक, वो जो पिछली सरकारों ने हमें करा है उसको ठीक करने में एक समय तो लगता है। ये आप क्या कहेंगे सर, सीएम केजरीवाल बाहर आ गए, खुशी है या फिर क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है, इससे ज़्यादा खुशी हमें अपने परिवार में दोबारा शायद है कि ना मिले, बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। उम्मीदें थी आपको कि चुनावों के बीच में बाहर आ जाएंगे? ये उम्मीद तो नहीं थी, हम आपको बताएं, क्योंकि बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर अंदर से उसको बाहर आने नहीं देती। देखो मेरी बात सुनो, एक बात हो, अडानी के बोर्ड पर कितना ड्रग्स मिला था, उसका कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ सर। यानी कि जो गरीब आदमी के लिए सब कुछ कर रहा है उसको दबा दिया जाए। देखो MP के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, अगर वो दिल्ली वालों को कुछ फ्री दे रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? इनके लिए मैं एक बात सुनूं जी, देखो फ्री देना नॉट ए टॉपिक, आप उस चीज के योग्य बनो,
श्रीलंका ने भी फ्री दिया था। फ्री तो सारी पार्टियां दे रही है, एक डेढ़ डेढ़ सौ के अंडर फ्री तो सर सारी पार्टियां दे रही है, टारगेट सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों करना? मैम हर जगह नहीं मिली, हर जगह फ्री नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार भी कहता हूँ देखो फ्री मत दो, सरकार भी फ्री नहीं दे रहे क्या? मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हर आदमी को, वो फ्री नहीं दे रहे क्या? वो पैसे ले रहे हैं क्या? पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं, वही तो पूरे हिंदुस्तान की तो बात करो, पूरे हिंदुस्तान में जिसकी सरकार बताएगा। चले इधर, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांटकर क्या पीछे की तरफ ले जा रही है दिल्ली? टोटल कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही केजरीवाल है जो कहता था 6x6 के कमरे में मैं सोऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, यही अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं आम मतलब सब नेताओं की तरह नहीं रहूंगा। आज वही केजरीवाल सीसमहल में रह रहे हैं, एक आम आदमी के पास जाके पूछे ना कि कैसे रहता है वो। हम अपने बच्चे को लेने आया, 1.5 साल से बंद है, इसके चक्कर में हम 2 घंटे से ऊपर हो गए, हम यहाँ खड़े हैं जबकि 8 बजे रिहाई हो जाए। इसीलिए गुस्सा है क्या आपको? वेट करना पड़ गया या वाकई कामकाज को ले? मेरा कहने का मतलब है किसी भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो फ्री नहीं देना चाहिए, 5 की जगह उसको 4 ले। केंद्र सरकार को भी बंद करना चाहिए, सरकार भी हो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं कह रहा हूँ 4। अगर मैनिफेस्टो में भी कह रहे हैं 5 साल और राशन फ्री मिलेगा, अभी वो सरदार जी चले गए मेरे सामने सरदार जी चले गए, नहीं तो उनको जवाब मैं देता। अभी कह रहे थे ना कांग्रेस कह रही थी कि इतने दूंगा, तुम्हारे लड़के मर्डर करे चलेगा। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सियासत है। आप बताइएगा सीएम केजरीवाल बाहर आ गए, माहौल क्या है दिल्ली में? देखो अगर मैं कुछ गलत करूंगा, उनको भी आने दीजिए, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे सजा तो मिलेगी, कानून व्यवस्था सरकार के अंडर में नहीं आती है। अगर मैंने गलत किया, कोई मुझे रणनीति दारू के में मैं गलत लेके आया, उसी की सजा तो मुझे मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना खुश हूँ अरविंद केजरीवाल की रिहाइश है कि मैं सुबह अपने घर से 5 बजे से चला हूँ और अब यहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता लगा कि केजरीवाल बाहर है, तो मेरे दिल को इतनी खुशी है कि मैं नांगले पैदल जा भी सकता हूँ। कार्यकर्ताओं में समर्थकों में खुशी है, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्या लगता है बाहर आने के बाद दिल्ली की सियासत थोड़ी बदलेगी, बीजेपी के लिए खतरा है या फिर बीजेपी एक तरफा? बहुत बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नजर में 0 है, हमारी नजर में हम 7 सीट जीत कर आएंगे। 0-7-0 में एक भी नहीं है मैडम, मैं बता रहा हूँ, 0 आएगी, बीजेपी आएगी 0, क्योंकि बीजेपी जो बीजेपी थी बीजेपी नहीं है, ये सरकार चल रही है मोदी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार नहीं है। एक पॉइंट मेरा, जितने नेता थे सारे नेताओं को अंकल जी मेरा भेज दिया, सबको किनारे कर दिया बीजेपी के, जो जितने भी नेता थे, अब सिर्फ मोदी सरकार चल रही है और मोदी ही जो कर रहा है, मोदी सरकार अमित शाह है। मोदी सरकार मतलब गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। एक पॉइंट केजरीवाल को इंटरिम पे मिली है, रेगुलर नहीं मिली। ये इंटरिम इसीलिए दी गई है कि भाई आप जाओ इलेक्शन लड़ो, कल को ये मत कहना कि भाई ये है। आज से पहले किसी को इंटरिम बेल मिली है? मिली है, क्यों नहीं मिली? किसको मिली है बताइए, किसी को बताओ, एक आदमी को बताइए आप आज तक किसी मेल अंतरिम मेल मतलब जीत की बार? जी हाँ, जीत हमारी जीत है हम कहते हैं ये गरीब आदमी की जीत है, गरीब आदमी की जीत। बीजेपी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आरोपी बाहर आए हैं, वो भी प्रचार करने भूले। एक रुपया मिला नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको 10 करोड़ दिया है, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपको मैंने 10 करोड़ दिया, उसका सबूत तो चाहिए। क्या है मुँह से कहने से बीजेपी को मात दे पाएंगे अब सीएम बाहर आ गए या फिर बीजेपी 101% मार बीजेपी 400 में से 20 सीट आ रही थी लोगों, अब वो भी नहीं आएगी। किसको? ये बीजेपी अलग हो जो 400 में से 20 दे रही थी, हाँ वो भी नहीं आएगी, अब हमारा बंदा बाहर आ रहा है। 300+ वोट बीजेपी की है, वो भी खत्म होगी, तो नहीं आती है क्योंकि अलग मुद्दे। जनता हो देखिए, जनता अभी भी तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं में समर्थकों में एक नई तरीके की ऊर्जा आप देखने को मिलेगी। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी अब किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और चुनावी प्रचार प्रसार में किस तरीके के साथ उतरती है। सीएम केजरीवाल अब देखने को मिलेंगे और देखते हैं कि दिल्ली की फिजाएं किस और बढ़ती है।